सो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, वेलकम टू डेविल्स लाइफ। तो भाई आज हम लोग आए हैं वन क्राइम जो कि है नारायणा में। आप तो आपको पता ही होगा हम लोग किस लिए आए हैं, स्पीड 400। यस, ये है क्राइम स्पीड 400 जो कि अभी लगभग एक महीने पहले लॉन्च हुई थी। इस बाइक की स्पेसिफिकेशन जानने के लिए सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक की स्पेसिफिकेशन। तो गाइस, ये है हमारे सामने ट्राइम स्पीड 400 जो कि एक बहुत ही सुंदर बाइक लग रही है। अब वीडियोस में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी बट सामने से अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है E20 कंपैटिबल। यस, जो अब नया फ्यूल आ रहा है उसके साथ ये बाइक कंपैटिबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक कितनी अच्छी लग रही है। टेल साइड से देखिए, टेल साइड से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी जो टेल LED है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है और गैप भी अच्छा खासा है रियर टायर और सीट के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है राइट साइड चेन, बाकी बाइक्स में लेफ्ट साइड आता है। और ये रही इसकी बैजिंग स्पीड 400 की, कितनी ही अच्छी लग रही है। और अब जरा हम इसके लोगो की तरफ जाते हैं, जो इंजन पे दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये इंजन फिन्स ये भी काफ़ी अच्छे से दिखने को मिल रहे हैं इस बाइक पर, जिसमें गैप अच्छा खासा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके बटन्स की तरफ, बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे ट्राइम की बैजिंग है, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा USB चार्जर। और बाकी हम लोग बात करें स्विचेस की, स्विचेस भी काफ़ी अच्छे हैं। ये हैजार्ड लाइट का स्विच, ये आगे अपना इग्निशन स्विच, ये हैजार्ड लाइट और ये सेल्फ का बटन। साथ ही साथ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन बटन है और हाई बीम लो बीम के लिए भी आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे। उसी के नीचे इंडिकेटर्स बटन है लेफ्ट राइट के लिए और साथ में हॉर्न। अब बात करें बार एंड मिरर्स की, तो भाई उसकी भी क्वालिटी देखिए कितनी ही ज़बरदस्त क्वालिटी है बार एंड मिरर की। और फ्रंट से अगर देखें तो इसकी जो हेडलाइट है क्या ही अच्छी लग रही है, वाह यार एक नंबर। ये होती है हेडलाइट जो कि ट्रायम्फ की बाइक्स में आपको यूजुअली देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की, उसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे सस्पेंशन कवर दे रखा है, जिससे कि आपका सस्पेंशन थोड़ा लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। और यहाँ पर आप, तो भाई ये आ गया है ब्लू कलर ट्राइम्फ स्पीड 400 का, मेरा फेवरेट होने वाला है ब्लू कलर, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी जो हेलमेट है वो भी ब्लू कलर का, ब्लू इज़ ऑल टाइम माई फेवरेट। ये आ गया रेड कलर, उसी के साथ में आपको मैं दिखाता हूँ ब्लैक कलर। ये आ गया है रेड कलर और साथ में ब्लैक कलर। तो भाई तीनों कलर्स आप लोग देख सकते हैं अपने सामने, ब्लैक, रेड और ब्लू। आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर बेस्ट लग रहा है, बट आई प्रेफर द ब्लू वन, ब्लू बीस्ट। तो एक ही फ्रेम में आपको तीनों कलर देखने के लिए मिल गए यहाँ पर। ये भी एक मतलब अच्छा है कि हम लोगों को मतलब कलर्स के बारे में इतना कन्फ्यूजन नहीं है। ब्लैक कलर भी ठीक है, इतना कुछ ऐसे मतलब अलग नहीं लग रहा, अच्छा नॉर्मल है, बट ब्लैक इज़ ऑलवेज अ नॉर्मल कलर। तो अगर गोल्डन सस्पेंशन की बात करें तो वो ब्लैक में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बटनस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये है इसका स्पीडोमीटर, ओके। और टैंक देख सकते हैं बिल्कुल शाइनी है, हार्ले में आपको मैट फिनिश भी मिल जाती है बट इसमें आपको सिर्फ शाइनी ही मिलने वाला है। और वन मोर थिंग, ये होने वाला है राइड बाय वायर, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है, अपडेटेड मोटरसाइकिल है इसमें ये चीज़ होएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं रेडिएटर ग्रिल और साथ ही साथ में गोल्डन कलर के इसके फ्रंट USD शॉकर्स। यहाँ पर आ गई आपको TR सीरीज की बैजिंग, दैट इज TR सीरीज 400 जो कि इस इंजन की डेफिनेशन है। भाई ये चेक करो, कुछ ऐसी है इसकी ट्राइम की ट्रेडिशनल की, जैसा अब आपको दिख रहा होगा ना। हाँ राइट,
इसको इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ही मस्त है। और ये देखो भाई, ये है इसकी फ्रंट लाइट, इसको हाई बीम करते हैं एक बार, पास बटन। यस, ये है इसकी हाई बीम, जबरदस्त यार, वेरी नाइस। सो गाइज, ये थी एक वॉक अराउंड वीडियो स्पीड 400 की, जो कि ट्रायम्फ की एक न्यू लॉन्च बाइक है। साथ ही साथ में इस बाइक ने अपने को कर दिया कंफ्यूज, बिकॉज हमने बुक करवाई हार्ले X440 और जब हमने आज ये बाइक देखी, इसको हमने चलाया। बाय द वे, इसका टेस्ट राइड व्लॉग भी आने वाला है संडे को, ये वीडियो आप लोग देख रहे हो फ्राइडे को, सो संडे को जरूर चेकआउट करना टेस्ट राइड वाला व्लॉग, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस बाइक में पावर कितनी होने वाली है। तो हम लोग हो चुके हैं थोड़े बहुत कंफ्यूज, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि हमें कौन सी बाइक पे जाना चाहिए, ट्रायम्फ स्पीड 400 या फिर हार्ले X440। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग संडे को, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, डेविल्स लाइफ।